नमस्कार दोस्तों, कुकविद भवानी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले चिकन भुना मसाला, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। दोस्तों, चिकन भुना मसाला बनाने के लिए हमने 1.25 किलो चिकन ले लिए हैं, 2 चम्मच सरसों का तेल लिए हैं, 1 चम्मच नींबू का रस लिए हैं, 10 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं और लाल मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर लिए हैं। ये सबको डाल के हम इसको मैरिनेशन करेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। हमने चिकन को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको आधा घंटा छोड़ेंगे मैरिनेशन होने के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेशन हो रहे तब तक हम मसाले बना लेते हैं। हमने मसाले बनाने के लिए 1/2 किलो प्याज लिए हैं, 1 कटोरा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं, धनिया पाउडर लिए हैं, जीरा पाउडर लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, हल्दी लिए हैं। हम उसको मसाला तैयार करेंगे, भुना मसाला। दोस्तों, मसाले बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 150 ग्राम सरसों का तेल ले ली है। हम चिकन सरसों का तेल में से ही बनाते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, 2 सूखा लाल मिर्च डालेंगे, इनको अच्छे से भुनेंगे। ये हमारा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को अच्छे से भुनेंगे। प्याज हमारा भुन रहा है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने पहले भी नमक डाले हुए थे चिकन में मैरिनेशन के टाइम पे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। नमक पहले से डालने से ये प्याज अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से गोल्डन ब्राउन जल्दी हो जाएगा। हमारा प्याज अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें हमने लिए हैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। हम इसको इसके अंदर डालेंगे, इसको भी अच्छे से भुनेंगे। दोस्तों, ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमें ऐसे ही चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं भुना मसाला। प्याज अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे पाउडर मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर। सभी को अच्छे से मिलाएंगे। और इनको मैं अच्छे से भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका तेल बाहर ना आए। आंच को मीडियम रखेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है, ये देखिए। अब हम इसमें बड़ा टमाटर डालेंगे, छोटे छोटे पीस करके टमाटर को अच्छे से मिलाएंगे। Thank you.
मसाले को धीमी आंच पे पकाएंगे। मसाला हमारा भून रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है, अभी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। और इसी मसाले के अंदर चिकन को अच्छे से भूनेंगे। हमने मसाले को चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। उसको 5-7 मिनट हम पकाएंगे धीमी आंच पर। हमारा चिकन अच्छे से भून रहा है। इसी तरह की चिकन को हम 15 मिनट तक और भूनेंगे इसी मसाले में, और इसी के अंदर हम चिकन को पकाएंगे। हम उसको हम धीमी आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे ढक्कन लगाकर। बीच बीच में हम ढक्कन निकाल कर चिकन को उल्ट पलट करेंगे। ये देखेंगे कि चिकन नीचे से ना लग जाए। अभी हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है, इसको हम धीमी आंच पर छोड़ देंगे और पकने के लिए। हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है, अब देखिए कितने अच्छे से ये भुन गया है। इसी को बोलते हैं भुना हुआ चिकन। ये देखिए हम इसमें और 5 मिनट और पकाएंगे इसको। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें एक कटोरी पानी डालते हैं। पानी डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारा भुना चिकन बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको प्लेटिंग करते हैं, अब देखते हैं कैसे बना है। दोस्तों ये देखिए हमारा भुना हुआ चिकन बन गया है। चिकन भुना मसाला, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बनाने में बहुत आसान है। कुक विद भवानी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।